बात करेंगे मिशन 2024 की, जिसके लिए दिल्ली दौरे पर आए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, शरद पवार, अखिलेश यादव और डी राजा से वो मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी और ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। नीतीश कुमार ने कल कहा कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की न कोई इच्छा है और न कोई दावा है। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके और पार्टी से निकाले जाने के बाद नीतीश पर लगातार बरस रहे आरसीपी सिंह ने उन पर जबरदस्त जुबानी हमला किया। दोपहर 1:30 बजे केजरीवाल से मुलाकात होनी है, सीपीएम के नेता येचुरी से मुलाकात करनी है। ये तमाम अहम नेता जिनसे मुलाकात का आज दौर चलेगा। नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में मौजूद हैं। आरसीपी सिंह इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं। आरसीपी सिंह साहब, आप आज पटना लौटे हैं लेकिन मुख्यमंत्री कल दिल्ली चले गए हैं 3 दिवसीय दौरे में विपक्षी एकता बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मैंने बता दिया ना जी कि देखिए बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए। बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिल्ली में जाकर करके विपक्षी एकता के लिए नहीं दिया है। और क्या एकता करेंगे जी, केसीआर साहब आए तो थे अभी, क्या चल रहा था बैठक में, उठक बैठक, वो कह रहे बैठिए, वो कह रहे उठिए। देखिए आपकी सोच क्या है, अब जितने लोग हैं सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो इसमें एकता कहां से हो सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बिहार की जनता ने आप पर भरोसा किया है, जिस प्रकार की जिम्मेवारी दी है, उससे हट करके आप सिर्फ समय काट रहे हैं और इसीलिए ये एकता वो एकता करते रहिए जी, जमीन आपकी खिसक चुकी है।